मैंने देखा कि रजब भाई के घर पर ये वाली पहली हुई है और ये ही वाला फनूस लगा हुआ है। मैं भी आपको दिखाती हूँ आज के व्लॉग में। मेरी मां हूँ, मेरे प्यो नु पता है। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, आज मैं एक जरूरी बात बताने जा रही हूँ और आप सबने भी, मैंने जो कहना है आपने भी करना है। आप सबको पता होगा अक्सर मेरे व्लॉग में पीछे रजब भाई के व्लॉग्स लगे होते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत शौक से देखते हैं, हम उनके बहुत बहुत ज्यादा फैन हैं। ठीक है जी, तो उनका उनसे फेम लेने के लिए उनको लोग मिलते भी रहे हैं और उसके बाद नमक हरामी भी की उन्होंने। तो आप भी उनका चैनल, मैं चाहती हूँ कि जाके रिपोर्ट करें, जैसा रजब भाई ने बोला है आपने भी वैसा ही करना है जी। तो मैं खुद बहुत ज्यादा बड़ी फैन हूँ अम्मा जी की। मैं तो वैसे बड़ों का बहुत ज्यादा अदब करती हूँ, अपनी सास अपनी, और मेरी तो अम्मी भी फोत हो गई, मेरी सास भी फोत हो गई, और मैं जब भी कोई बड़े देखती हूँ तो बहुत ज्यादा मिस करती हूँ अपने बड़ों को। तो वीडियो में अम्मा जी रो रही है इस वजह से कि उन्होंने सैयदों को बहुत ना उनकी तोहीन की है। तो आप सब भी जाकर उनको जल्द से जल्द रिपोर्ट करें, नहीं तो आप अनसब्सक्राइब करें जाकर जो भी उनको बकवास कर रहे हैं। अभी ये मटन की मां, आपने इसमें क्या क्या डाला जरा बताएं लेवल। इसमें मसाले और प्याज टमाटर अदरक पेस्ट की फॉर्म डाल के अब इसकी बनाई कर रहा हूँ। बहुत जल्द पक जाएगा। अब घी की जरूरत है, आप घी मैंने डाल दिया है, अभी इसमें बनाई हो रही है, ड्राई हो रहा है जो पानी है इसमें। घी में टमाटर की अच्छी है, ये हम जब तक मैं चाप में थोड़ी सी तेज डाल दी, वैसे मैं थोड़ा थोड़ा तेज करता हूँ स्पाइसी। अब इसमें आप लोग मटर ऐड करेंगे और क्या क्या ऐड करेंगे? धनिया, काली मिर्च और मैं तो उस साइड पे बैठी हूँ, कितनी प्यारी लग रही है। जैसे ही भाई साहब को बताना कि इनके फैशन में हमका थोड़ा डिफेक्ट लग रहा था। अंकल जी इसका ब्लॉग बनना चाहिए। देखें जी, यहाँ पर एक पैलिंग से पहले ना यहाँ पे एक पॉइंट था, अंकल ने कैसे एक बार में कैसे किया, फिर अंकल आप जरा बताएं अपनी कारीगरी। ये इसका अंदाजा लगाया, इसका फिर इसका फिर यहाँ पे सुराख मारा। वाह वाह वाह, ये तजर्बा। जियो अंकल, जिंदाबाद अंकल। अंकल मैं फारग नहीं हो पाई, जे खलारा सफाई होती तो दोबारा तो वे ना जरा। लो की बनेगा मेरा, इन्ना ज्यादा खलारा सी ना, इन्ना कुछ ज्यादा मैं दस नहीं सकती कि मैं फोन अरे पता नहीं कितने रख के भूल गई। उफ अल्लाह, मेरी जान निकल गई, अद्धे घंटे की लभ रही है। अरे अच्छा भी किन्नी सफाई होनी है। लोग लाइन में आप किस तरह मैनेज कर ना, आप बैठ दी ना, चेंज हो गई पोजीशन, माशाल्लाह कितना प्यारा लगता है। हाँ तीन मिनट नहीं पड़ी, एवं कमरा बड़ा होता है, दौड़ा भी लग गया, थोड़ा थोड़ा सो गया फोन ना, तो कम है ना कम है, कितों कितों मैंने चाची ने जेल दी चीना लभ रही ने, वे हुए रेडियो कहनिया ना कुछ केड़ा जाला सी, मैं जिंदगी इस तरह का जाला नहीं बेचना। मेरी अम्मी नू इन्नी आदत सी चाची मेरी नू, की करदे सन चीज़ां संभाल सकते, अम्मा नू भी यही आदत सी। ओए होए शीशा सोना साफ हो गया, अरे तो मेरे फोन नू कह गया ना सुट, वो ना सुट, नहीं सुननी मैं कभी कभी नहीं सुननी। लो जी सोना शीशा शीशा कह दिया, शीशा साफ हो गया, नाइस। थकावट जिदा दिन है जल्दी जल्दी मैं फाग हो, दोबारा दोबारा तो बहुत करवा गए हैं, दस्त दोबारा दोबारा पै जाने। अज जी मैं अंदरूनी सफाई करनी किसी और तुम कभी वेख्या नहीं, मेरे ड्रेसिंग का शीशा मैं हमेशा अगे रखनी, तो प्याला लगना पै जी। ये जो बेड है ना, बेड मैंने अपनी मामी से लिया था,
उनकी पसंद मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। नया बेड मेरा दिल आ गया था उनका ना देखकर, इतना पायेदार। मैं ना पायेदार चीज लेने में बड़ी एग्री करती हूँ कि जो एक बार पैसा लग जाए ना दोबारा आपको मसला नहीं पड़ता। अभी तक कितने साल हो गए इसको, माशाल्लाह बेड को काफी साल हो गए। ये होता है, ये ना थोड़ा नया बिल्कुल बना हुआ था ना, तो उसके थोड़ा सुराख अंदर से दोबारा किया मैंने और बाहर आया कि अब मैं इतना अच्छा है, मतलब कि जितनी डस्ट मेरे अंदर आती है ना रूम में, गली खुली रहती है, उस हिसाब से मैंने इसको हिफाजत इसकी सही की ही नहीं कभी। साफ आते जो अब जो है इसकी डस्ट और इसका कलर निकलेगा, साथ में स्प्रे होकर मर गया। स्पेशल इसका अभी करके दिखाती हूँ आपको। जब मैं ये बेड लेकर आ रही थी तो बीच में से ये निकला, मामी ने मुझे बोला ये साथ ही ले जाओ। अब मुझे इसका मतलब समझ आ गया। मेरी मामी देखती होगी तो बहुत शुक्रिया मामी, ये ना हो तो मैं इसी तरह क्या करती इसे, मैं बार बार लगा लेती हूँ इसको। जी मामी, तो मैं बता दूं कि ये देखें इसका हल मुझे अब पता चला है, मैंने गौर से देखा है। थोड़ा सा इसको सुराख थोड़ा सा खुला करना है आगे से, क्योंकि जो है ना पेच वो छोटा साइज का है। देखें में शीशे के भी डस्ट गई हुई है, अभी बंद ही है। मामी ये शीशे थे उसको तोड़ ही दिए, ग्लास ही इतने बुरे तरीके से। लो जी टिप टॉप हो गया जी, डिप डॉप डिप डॉप डिप डॉप, शाइन देखिए इसकी, शाइन शाइन शाइन। ओ बारी है इसकी, इतना गंदा हो गया। तो फारत थी कि टूटी लमारी ने, मैं पता नहीं किसने खिला रहा सी। ओए होए ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਜ਼ੇਲ ਦੀ ਅੰਮੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਕ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਟੀ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੀ, ਟੀ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਟੈਂਡ ਹਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਬੈਠੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਨ 'ਤੇ ਲਵਾ ਸਕੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲਿੱਤਾ ਜੇ, 2500 ਰੁਪਇਆ, 2500 ਰੁਪਇਆ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਲਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਈ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣੀ ਲਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਸਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਅਜੇ ਸੈਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਆਵਾਂ ਅਜੇ। ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਲਵਾਂਗੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਨਫੀਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਲਾਰਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡ ਟੇਬਲਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਗਲਾਸ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਥੀ ਮੈਂ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਠਾ ਫੂਮ ਠਾ ਕਰਕੇ ਸਰ, ਇਹ ਹਾਥੀ ਵਿਚਾਰਾ ਬੜੀ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਧੋਤਿਆ ਸਾਰਾ, ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਝਰੀਟਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਇਸੇ ਸੇਫ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਟੇਬਲ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸਮੇ ਮੈਂ रखू क्योंकि फोन वगैरह बहुत ज्यादा आते हैं और यहाँ पर मैं अपनी और अपनी दोस्त की फोटो लगा रही हूँ। ये है मेरी दोस्त की और मेरी पिक्चर, मेरी साइड टेबल। कैसी लग रही है? बैठो। अमर ही आए मन्नत, मन्नत मैं सदके मन्नत क्या है, मैं अखा कि उतरिया लाइटिंग वहाई जा रही की खादा गया मानी ने शो मार रहे ਮਨੂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਾਨੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸੋਹਾ ਵਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਵਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਾਓ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਜਬ ਭਾਈ ਕੇ ਘਰ ਪਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੈਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਵਾਲਾ ਫਨੂਸ ਲਗਾ ਹੋਇਆ
मैं भी आपको दिखाती हूँ आज के व्लॉग में। अच्छा बच्चा वो बगैर किसी बदतमीजी का मैं जबरदस्ती तूने से पूछ, तूने पता ही नहीं कि अनियन अभी जिस जगह से मैं पिक्चर्स ले रही हूँ वहाँ के लिए मैंने टेबल और चेयर्स छोटी सी साइज़ की ढूंढी है और अभी भी काफ़ी काम है जो छोटा छोटा होना था, फिर भी मैं आप सबको अपना रूम दिखा रही हूँ। माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा और यकीन करें सोने के वक्त मुझे लगा नहीं मैं अपने ही घर पर हूँ, लगे कि कोई होटल है और मैं ये लाइटें लेकर बहुत ही अच्छा मैंने किया। और रात का जब वो है सीन आपको दिखाती हूँ। अब देखें आप आफ्टर बिफोर की पिक्चर्स, उफ ला ये तो बहुत ही बुरा था। कब का मैं एक बनवा कर लेकर आई थी वो तो गुम हो गया, ये नया। अब ये देखें उफ, उफ, उफ 5 महीने पहले जिस पे पैसे लगवा चुके हैं हम। ओ माय गॉड, नाइस।